मुर्दाबाद मुर्दाबाद हक हमारा एडमिशन हम लेके रहेंगे एडमिशन हक हमारा एडमिशन वी वोट जस्टिस वी वोट जस्टिस दाखिला दो हक हमारा एडमिशन हम लेके रहेंगे एडमिशन लेस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर होश में आओ होश में आओ होश में आओ। उसका कारण यही है कि ये सीट्स नहीं बढ़ा रहे, हमें एडमिशन नहीं दे रहे, उनको मतलब इतना दिख नहीं रहा है, बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। वो डर के मारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको देख के ऐसे ऐसे उनको शिवरिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी, जबकि उनके दिल में चोर है तभी उनको ऐसे ऐसे हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी सीट्स को इन्होंने करना क्या। मैं बस ये कहना चाहती हूँ सीट्स बढ़ा दी जाए बस। और हमारा लगातार आज छठा दिन है ये प्रदर्शन करते हुए, और अभी तक जम्मू का जो प्रशासन है, जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रशासन कानों में रुइयां डालकर बैठा हुआ है। विद्यार्थियों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी उनको 90% लेने के बावजूद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ का प्रशासन चाहता क्या है इस विद्यार्थी से? सालाना साल 10 साल हर साल उनको खज्जल किया जाता है, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों करती है? ये जम्मू यूनिवर्सिटी ने जब 13 अक्टूबर तक एडमिशन रीओपन की हैं, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जिसने फॉर्म लगाया उस विद्यार्थी को एडमिशन क्यों नहीं दी जा रही? कहीं ना कहीं नाकामी है। आए दिन प्रेस क्लब के बाहर हमने यहाँ पे अपनी मार्कशीट दिलाई थी 12th की विद्यार्थियों ने, जो इतनी परसेंट लेने के बावजूद, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा। हायर एजुकेशन का पुतला फूका गया था डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। कल पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करके विद्यार्थियों को मारा जाता है, मां बहन की गले निकाली जाती है, और यही क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। जब हम वाइस चांसलर से बात करने जाते हैं तो वो हाथ खड़े करके कहता है जो करना करो, बाहर जाके जो कर सकते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गुंडा राज चलाया जा रहा है उसके खिलाफ विद्यार्थी उसकी नीति के खिलाफ विरोध कर रहा है, और माननीय हायर एजुकेशन अथॉरिटी ये आग्रह करता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय यह प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा।